वेलकम टू श्री हरि टेलर। आज मैं आपको मोर चंद्रिका बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए ये हमारा मोर पंख, ये हमारे मोती हैं रेड और वाइट कलर के, और ये हमारा तार है। मोर पंख को हमें पहले इस तरह से कट करके लेना है। ये देखिए मोर पंख हमने कट कर लिया है। दोनों साइड से हम इसको सेट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसका बीच का पार्ट निकालेंगे। इसके लिए हमें दोनों साइड से इक्वल ही लेना है। देखिए दोनों साइड हमें इस तरह से इक्वल लेके इसको इस तरह से हमें पकड़ना है। ये हमारा बीच वाला पार्ट है। देखिए बीच वाला जो पार्ट निकल के आया है इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हम नीचे से कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल नीचे से कट किया है हमने इस तरह से। ये हमारे दोनों पार्ट आ चुके हैं। ये सेकंड जो पार्ट है हमें उसको इस तरह से पकड़ना है और शेप देनी है, जैसे कि मैं दे रही हूँ वैसे शेप देके हम इस पर धागा रैप करेंगे। इस तरह से हमें इसमें धागा रैप करना है। अब हम इसमें नॉट लगाएंगे। जहाँ जहाँ भी हम धागा रैप करेंगे वहाँ वहाँ हमें नॉट लगाना है। इस तरह से हम नॉट लगा रहे हैं। अब हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा धागा है उसको भी अच्छी तरह से सेट करके लेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट को साइड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको भी साइड कर देंगे। ये हमारा तार है। ये तार बहुत ही पतले हैं, मैंने दो लिए हैं, इसलिए आप एक तार से भी इसे कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तार से करना बताऊंगी। पहले हमें इस तरह से ट्विस्ट करना है तार को। हमें पूरा ट्विस्ट नहीं करना है, हमें थोड़ा सा ही ट्विस्ट करना है, क्योंकि हमें इसमें मोती डालने हैं पहले। चलिए ये हमारा रेड कलर का मोती है उसको हम डालेंगे। हमें एक ही मोती डालना है पहले। देखिए इस तरह से इस मोती को स्टेबल करने के लिए हमें इस तरह से इसमें नॉट लगा देनी है तार में। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमें नॉट को सेट करना है। ये देखिए हमारा जो नॉट है वो सेट हो चुका है, मोती भी हमारा स्टेबल हो गया है। अब हम इसमें और भी मोती डालेंगे। इसके लिए जो हमने तार ट्विस्ट किया था उसे हमें खोलना होगा। देखिए इस तरह से हमें तार को खोलना है। हमें थोड़ा ही खोलना है इस तरह से।
ऊपर की साइड हमें वाइट एक ही मोती डालना है और नीचे की साइड हमें दो वाइट कलर के मोती डालने हैं। इस तरह से हमें शेप देनी है। शेप देने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो एक मोती है वो हमारा ऊपर की साइड होना चाहिए, जो दो मोती डाले हैं वो नीचे की साइड ही होना चाहिए। ये देखिए हम दोनों साइड से ट्विस्ट करेंगे इसको। इस तरह से हमको सेट करते रहना है। ये देखिए इस तरह से अब हमें और भी ट्विस्ट कर लेना है आगे से भी, क्योंकि हमें एक और वाइट मोती डालना है इसमें। अब हम एक और वाइट मोती डालेंगे। इस तरह से अब इसको फोल्ड करके तार को इसको भी इस तरह से ट्विस्ट करेंगे जिससे कि जो हमारा वाइट मोती है वो बाहर नहीं निकले। इस तरह से हमें ट्विस्ट करके लेना है। अब हम इसको मोर की शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से मोर की शेप देंगे हम। अब हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको लेंगे और उसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है। उसके बाद हमें शेप देनी है। शेप देने से पहले हमें इसको पहले यहाँ पे स्टेबल करना है। इसके लिए हमें पहले रैप करना पड़ेगा धागा, थोड़ा सा धागा रैप करके लेना है, बाद में हम इसको कवर कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा ही रैप करने के लिए लेंगे, एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब हम इसकी शेप देंगे। तब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ हमारे मोती हैं उसके आसपास हमें इस तरह से रैप करके ही लेना है। ये देखिए हमारा रेड मोती था, वहाँ पे हमने रैप करके लिया है धागे को और साथ में नॉट भी लगा देना है। अब वाइट मोती के पास भी हमें इस तरह से धागे को रैप करना है। जहाँ जहाँ हम धागा रैप करेंगे वहाँ पे नॉट भी लगाना है। इस तरह से हमें रैप करना है। ये देखिए नॉट लगाना है। ये तीसरा लास्ट मोती है, इसके पास भी हमें इस तरह से रैप करना है। जो एक्स्ट्रा है हम उसको बाद में कट करेंगे, पहले हम इसमें रैप करेंगे। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा है, इसको हम बाद में ही कट करेंगे। तो देखिए अब हमने कट करना है इसको। देखिए अब शेप को अच्छे तरह से करेंगे, मोर की शेप को अच्छे तरह से सेट करेंगे।
मोर हमारा जो सेकंड पार्ट है मोर का, हम उसको इस तरह से लगाएंगे। चाहो तो आप इसे फैब्रिकॉल से भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरह से धागा रैप करना है, जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमारा मोर बनके तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।